किसान भाइयों, जब हमने यह चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल की शुरुआत की थी, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम सभी किसान भाइयों को नए नए कृषि उत्पादों और उनको उगाने की जो तकनीकी है उसको साझा करें और हम साथ साथ उनके साथ काम कर सकें अच्छे से। लेकिन अब हम दोस्तों आप लोगों को तकनीकी साझा करते ही हैं और नए कृषि उत्पादों के बारे में बताते ही हैं, लेकिन हम अब आपको जो क्वालिटी प्लांट मटेरियल है वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जो प्रथम उद्देश्य था उसको हमने छोड़ दिया है, वो अभी भी उसी तरीके से काम चल रहा है। भले ही जो पहले वीडियो बहुत ही कम समय में और ज़्यादा वीडियो दी जाती थी, उतना भारी संख्या में वीडियोस अभी नहीं आ पा रही हैं किसी कारणवश। हालांकि आने वाले समय में हम ये जो परेशानी है इसका समाधान करने की अवश्य कोशिश कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, और आपको अधिक मात्रा में और अच्छे जो जानकारी है उसको उपलब्ध करवाने की चेष्टा जारी रखेंगे। हमने चैनल के शुरुआती दिनों में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ये 10 से 12 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे गर्म क्षेत्रों में या लो चिल मिड चिल एरियाज़ में हो सकती हैं आसानी से, उन वैरायटीज़ में काम करना चाहिए। हमने ये भी आपको बताया था और हमने ये भी बताया था कि सिर्फ आप ही ने करना काम करें बल्कि हम भी उस पर काम करें। तो हमने लास्ट ईयर ऐसा किया भी था, बहुत सारे किसान भाइयों को जो अन्य अन्य प्रजाति के पौधे हैं जैसे कि फ्यूजी हो गया, पिंक लेडी हो गया, गाला हो गया, इनके जो लो चिल वाले वैरायटीज़ हैं इसको उपलब्ध करवाया था और हम खुद भी उसका ट्रायल रहे हैं। हमने जो 10 से 12 लो चिल वैरायटीज के बारे में बात की है उसका जो वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। आप सभी को और आपके परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अमेजिंग फार्मिंग के परिवार की ओर से। उन्हीं लो चिलिंग वैरायटीज में से आज हम बात करेंगे फ्यूजी एप्पल के बारे में। दोस्तों फ्यूजी में भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं जैसे कि अर्ली फ्यूजी, रेड फ्यूजी, सन फ्यूजी। दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है सन फ्यूजी, और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी अच्छा से जो बड फॉर्मेशन है वो हुआ है, जैसे कि जनरली होता है अन्ना में, डॉर्सर गोल्डन में, ट्रॉपिक स्वीट में, वैसे इसमें काफ़ी अच्छा बड फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि इसका जो आप पत्ते हैं उसको आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि ये अन्ना डॉर्सेट ये पौधा नहीं है बल्कि ये अलग ही प्रजाति दिख रहा है, और इस वैरायटी का नाम है सन फ्यूजी। दोस्तों सन फ्यूजी के बारे में मैंने ये सुना था कि ये लो चिल वैरायटी है, और वैसे ही हमको कुछ रिजल्ट है वैसे भी देखने को आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो बड फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। बड यानी कि ऐसा छोटी टहनियाँ जिस पर कि फ्रूट लगते हैं, जिस पर कि फल आते हैं। ये जो सन फ्यूजी का पौधा है इसमें हमने रूट स्टॉक का जो प्रयोग किया है वो है MM7 रूट स्टॉक, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है आप देख रहे होंगे। हमने MM7 रूट स्टॉक ग्राफ्टेड प्लांट में वर्टिकल एक्सिस ट्रेनिंग सिस्टम को अपनाया है। वर्टिकल एक्सिस ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक मुख्य तना होता है जिसे कि हम लोग सेंटर लीडर कहते हैं, और सेंटर लीडर से बहुत सारी शाखाएं निकलती है, उनको हम लोग जमीन के समानांतर या पैरेलल रखते हैं ताकि उनमें ग्रोथ भी बनी रहे और इसमें जो बड फॉर्मेशन है जिसमें कि हमारा फ्रूट लगता है उनका भी फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। वर्टिकल एक्सिस को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा कि नीचे का जो शाखाएं वो बड़ी होती हैं और ऊपर पर जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप उसका शाखा का लेंथ है, लंबाई है, वो घटती जाएगी। बस क्रिसमस ट्री जैसे ही आपको उसको ट्रेनिंग करना होता है उसे ही हम लोग वर्टिकल एक्सिस के नाम से जानते हैं। फ्यूजी एप्पल का जो चिलिंग आवर्स होता है वो आपका लगभग 400 घंटे का होता है, लेकिन इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपको कहीं कहीं इससे कम भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं इससे अधिक 500 घंटा तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो मुख्य जो रिजल्ट है वो ट्रायल के बाद ही आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उससे कम जो चिलिंग रिक्वायरमेंट वाले रीजन होते हैं या स्थान होते हैं वहाँ पर ट्रायल नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसको 400 घंटा या 500 घंटा उसका रेटिंग दे दिया जाता है। लेकिन जब उससे भी हम लोग गर्म क्षेत्र में उसका ट्रायल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी बार उसमें सेब लगना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक दो सेब लगने से हम ये नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल फार्मिंग है, उसमें एक अच्छा क्रॉप लॉट होना चाहिए और अच्छी उसमें क्वालिटी आनी चाहिए फ्रूट की, तभी हम कहेंगे कि ये सक्सेस है हमारे एरिया में। अगर एक दो फ्रूट लगते हैं एक दो साल बाद या हर साल एक दो फ्रूट लग रहे हैं तो वो कोई उसमें सक्सेसफुल फार्मिंग है उसको नहीं कह सकते। हमारा काम है एक्सपेरिमेंट्स करना और आपको उसका जो रिज़ल्ट है जो भी हो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच करके अगर एक्सपेरिमेंट ही ना करें तब तो कभी नवाचार इनोवेशंस हो ही नहीं पाएंगे। खैर दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है जो हम ट्रायल करते हैं और आप ऐसे ही चाहते हैं कि हम नए नए पौधों का ट्रायल करते रहें और आपको उसके जो रिज़ल्ट है जो भी रिज़ल्ट हो उसको साझा करें आपके साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग कर दें ताकि हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करें यूट्यूब पर आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। आज के वीडियो में आपने देखा कि सन फ्यूजी का ग्रोथ कैसा है और उसका कितना अच्छा से बड फॉर्मेशन हो रहा है। अगले वीडियो में हम आपको पिंक लेडी जो एप्पल होता है वो भी लो चिल के लिए रिकमेंडेड है, लो चिल टू मिड चिल रेंज में, तो उसका भी हम रिजल्ट दिखाएंगे कि उसका ग्रोथ कैसा है और उसमें बड फॉर्मेशन कैसा है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें और हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।
वंदे मातरम। धन्यवाद।